खराब हो गया बदलती लोकल घंटे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। तो फ्रेंड्स, मुझे टॉयलेट में गर्मी बहुत लगती थी, तो भाई मैं सोचा क्यों ना घंटा लेकर आ जाए। तो भाई मैं घंटा लेकर आ गया। तो फ्रेंड्स भाई, अब आपको समर यार भाई तू पंखा लेकर आना चाहिए था, घंटा लेकर आ गया। फ्रेंड्स सोच के मैं देखना चाहता हूँ भाई मेरी बर्दाश्त, मतलब भाई मैं कितने देर तक कितनी गर्मी टॉयलेट बैठ कर बर्दाश्त कर सकता हूँ। पर कम वक्त मारा ये घंटा भी खराब हो गया, देख रहे हो इधर लोकल घंटा कहीं। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम घंटा एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी घंटे की मशीन से एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसका ब्रांड है गियर मोटर। तो फ्रेंड्स बहुत मजा आएगा इस वीडियो में, प्लीज दोस्तों वीडियो कम वॉच कीजिएगा। चलो फ्रेंड्स चलते हैं टॉपिक पर, चलिए समर एक्सपेरिमेंट। तो चलो भाई सबसे पहले स्थान ग्रहण करते हैं। हाँ चलिए, तो भाई घंटा खोल लेते हैं और मशीन निकाल लेते हैं। तो भाई एक एक करके इनकी सुई निकाल लो, इन्हें रखते हैं संभाल कर, क्योंकि भाई मशीन खराब हुई है, बॉडी थोड़ी खराब हुई है। तो भाई ये रही घंटे की मशीन। तो फ्रेंड्स भाई इसे मैं ठीक करना तो नहीं बताऊंगा, इसे खराब करना बता सकता हूं मैं। तो भाई देखिए खोलिए, करना क्या है तो मुझे भी नहीं मालूम भाई। वाह देखो, देखिए ये जो पार्ट है ये काम का है हमारे, इसे रखते हैं साइड में। इसमें देखिए मैग्नेट होती है, देखिए चिपक गया। और ये मशीन भी हमें निकालनी है, इसके हमें कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए दोस्त इसे हम होते में रखते हैं साइड में, इसकी भी हमें बाद में जरूरत पड़ सकती है। और भाई इनको निकाल लेते हैं, इनकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है। भाई वर्किंग प्रिंसिपल तो इसका बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ पे ये कुछ गियर लग रहे हैं, देखिए ये गियर यहाँ लग रहा है और ये सिंपल कैसे लग रहा है, देखिए इसे लगाते हैं, इन्हें रोक लेगा। ठीक है देखिए, अब ये गियर इधर लग जाएगा और ये गियर इधर लग जाएगा और ये गियर इधर लगा। देखिए देखिए यहाँ से घूमता है, देखिए इस तरीके से देख सकते हो, देखिए मैं घुमाता हूँ, देखिए घुमा, देखिए देखिए। और ये मैग्नेट है, ये मेन गियर है इसका जो इसे चलाता है, ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है सारे। तो चलिए दोस्त ओपन से शुरू करते हैं। तो भाई देखिए सेकंड वाली सुई मैं निकाल ले रहा हूँ। अब देखिए ये जो पार्ट, देखिए फ्रेंड्स ये जो निडल है ये काफ़ी छोटी है। देखिए अगर मैं इसे डालता हूँ इसके अंदर, देखिए ये मुझे थोड़ी बाहर निकल, देखिए ये बिल्कुल फिक्स है। लेकिन फ्रेंड्स मुझे ये जो पिन टाइप के जो शाफ्ट मान लेते हैं इसे, ये मुझे थोड़ी लंबी चाहिए जिससे दोस्त मैं इसे टेस्ट करा सकूं। तो भाई मैं इसे निकाल लेता हूं। तो फ्रेंड्स इस पिन को थोड़ा लंबी करने के लिए हमें ऐसी पिन चाहिए जो इससे थोड़ी लंबी हो, जिससे फ्रेंड हम उसका यूज़ कर सकें। लेकिन भाई ऐसी पिन मिलेगी कहाँ? तो आप चाहो तो ये स्क्रू ड्राइवर है, इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितनी लंबी आप लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स भाई ये काफ़ी मोटा है, देखिए ये काफ़ी पतली रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये भाई ये काम नहीं करेगा क्योंकि दोस्त देखिए यहाँ पर गियर से बिल्कुल मिला हुआ है, देखिए ठीक है। तो भाई ये काम नहीं कर, इतनी मोटी होनी चाहिए, इससे थोड़ी सी कम मोटी चलेगी। तो ये रहा वर्नियर कैलिपर। चलिए फ्रेंड की मोटा है नापते हैं, देखिए जो सिरिंज की है, देखिए नीडल की 0.79 mm, ठीक है गुड, 0.789 अप्रॉक्स मान लेते हैं। चलिए अब इसके लेते हैं जो हमें घंटे से मिली है, देखिए 0.88 mm, यानी फ्रेंड्स ये थोड़ी सी मोटी है इस सिरिंज के मुकाबले। दोस्त ये बहुत अच्छा वर्क करेगी इसमें। चलिए भाई इसे निकालते हैं। तो लीजिए दोस्त ये पाइप, देखिए बहुत छोटा सा पाइप है, देखिए निकाल ले। भाई मुझे इसकी सुई से बहुत डर लग रहा है, ज़्यादा देर में घुस सकती है, तो मैं इसे कट कर लेता हूँ बस। और भाई इस नीडल को लगाने का एक फ़ायदा और हो गया फ्रेंड्स, ये बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल सीधी है। अगर आप कोई तार कोई वायर लोगे तो भाई वो उतना आपको सीधा नहीं मिल पाएगा। चलिए चिपका लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं भाई कितनी बार ये निकलेगी। वाह देखिए दोस्त कितनी भारी आ गई है, मैं इसे घुमाता हूँ, देखिए बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। देखिए काम काफ़ी बारीकी से करना पड़ रहा भाई, बहुत छोटे छोटे और नाजुक कंपोनेंट्स हैं, मैं निकाल लेता हूँ इतने इसके गियर हैं। ये वाला पार्ट कुछ ज़्यादा ही भार निकल रहा है, तो चलिए दोस्तों इसे थोड़ा सा कट कर देते हैं। तैयार हो चुका है ये पीस, चलिए तो आप लगा देते हैं। तो ये रहा इसका सारा का सारा तामझाम।
देखिए फ्रेंड्स, ये सारे सारे गियर हैं। अब दोस्तों, इसे गियर मोटर बनाने के लिए हमें एक मोटर की जरूरत पड़ी, क्योंकि गियर तो हमारे पास है। इस मशीन में हमें ज्यादा हैवी मोटर की जरूरत नहीं है, ना ही ज्यादा फ्रेंड हमें कॉस्टली मोटर चाहिए। तो भाई मैं लेकर आया हूं छोटा सा 3 वोल्ट का डीसी मोटर, और ये आपको बहुत इजी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट शॉप पे से मिल जाएगा, सिर्फ 10 से 20 रुपए का आता है, आप आराम से ला सकते हो। तो भाई इस मशीन के हम जड़ पकड़ गए, जो सारे घुमाते। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला कंपोनेंट से देखिए, ये यहाँ लगता है, ये सारी मशीनों घुमाता है, ठीक है। तो भाई इसे निकालते हैं, यहाँ पे साइड में रखते हैं, और देखिए ये इसके अंदर आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा। फ्रेंड्स, इसकी शाफ्ट इसके अंदर आनी चाहिए, खैर वो बात बाद में, पहले इसको निकालते हैं, यहाँ पे खोल कर लेते हैं। इस पार्ट को मैं तोड़ लेता हूँ, बढ़िया से टूट गया। अब इसमें होल हो गया है, और इसे वापस यहाँ लगाते हैं। अब इस होल से हमें इसमें भी होल करना है बिल्कुल पार। वैसे तो सच मान दो भाई, होल करने के लिए कैंची का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, देखिए बहुत मजा भी आता है। देखिए दोनों पर वर्क कंप्लीट हो चुका है। चलिए भाई मोटर को लगा देखते हैं, देखिए बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल फिट आ गया है, और इसे देखते हैं कैसा होता है। देखिए बिल्कुल ये सीधा होल होना चाहिए। अब जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है वो है भाई ये मैग्नेट है, और इस शाफ्ट को इसके अंदर फिक्स करना है। यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो दोस्त इसकी शाफ्ट को थोड़ा पतला करें, या इसका होल थोड़ा बड़ा करें मैग्नेट का। लेकिन फ्रेंड्स, मैग्नेट टूट सकती है, तो चलिए भाई इसे तो रखते हैं साइड में और शाफ्ट पर आते हैं। तो मोटर को मैंने सप्लाई से कनेक्ट कर लिया है, चलिए ऑन करते हैं। कोई फाइल नहीं है, इसे रेती कहते हैं, या सेंड पे भी ले सकते हो, ठीक है, उससे काफ़ी ईजी हो जाएगा। ये आपको थोड़ा जल्दी करना हो तो फिर लेते हैं सीधा एंगल ग्राइंडर। तो देखते हैं भाई, वाह हो, देखिए दोस्त बहुत बढ़िया। तो चलिए भाई इसकी अब फिटिंग करते हैं। ये हो गई इसकी फिटिंग पूरी, देखिए देख सकते हो सारी गियर चल रहे हैं। अब आते हैं इस गियर पर, और ये मैंने अलग कर लिया है देख सकते हो, और इस मैग्नेट को सीधा मोटर की शाफ्ट पर लगा देते हैं, और देख लेते हैं भाई लगा, अगर कोई ऊंच नीच हुई तो अभी पता लग जाएगा। या सही बैठेगा बिल्कुल परफेक्ट, देख सकते हो। चलिए अब इसे चिपका देते हैं सीधा इस मैग्नेट पर। तो ये जोड़ अच्छे से लग चुका है, चलिए मैं मोटर को चला के देखता हूँ ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए दोस्त, वाओ, देखिए काम कर रहा है, देखिए। चलिए बस बाकी करना क्या है, बस बाकी करनी है फिटिंग, बस देखिए हो गया। और अब आते हैं इसके ढक्कन पर, तो भाई इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, तो इसको निकाल देंगे, बस अब लगा देते हैं इसे, बस हो गया काम। तो गाइस, टेस्टिंग करने के लिए मैंने इस पर देखिए टेप लगा दी है, देखते हैं फ्रेंड कौन सा कितनी स्पीड पर घूमेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने सप्लाई कनेक्शन इसमें कर दिए है मोटर में, चलिए दोस्तों इसे चालू करके देखते हैं। देखिए यहाँ से मैं ऑन करता हूँ, देखिए चला, देखिए फ्रेंड, और देखिए आगे सारे गियर रनिंग में है, और देखिए जो सैकड़ों से कितनी स्पीड से घूम रहा, देखिए फ्रेंड्स ये कितना स्लो काम कर रहा है, बहुत स्लो। देखिए वोल्टेज बढ़ाता हूँ, देखिए देखिए दोस्त, ये मिनट वाली है, ये घंटे वाली है, और ये सेकंड वाली है। देखिए मिनट वाली चल रही है, देखिए कितना स्लो वर्क कर रही है, देखिए देखिए। तो फ्रेंड्स, हमारा गियर मोटर 100% सक्सेसफुल रहा। अब आपको क्यों समर यार, तूने इसके आरपीएम तो दिखा दिए, ठीक है अच्छा आरपीएम, ठीक है देखिए मैं बढ़ाता हूँ, देखिए बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखिए ये वाली हरी वाली जो मिनट वाली यहाँ से यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब आपको क्यों समर इसका टॉक और चेक करा, फ्रेंड्स ये गियर मोटर है, चलिए जल्दी मैं इसका टॉक चेक क्यों नहीं करा सकता, बंद कर देता हूँ पहले इसे। देखिए बंद करने बाद भी चल रहा है, रुक गया। देखिए ये दो गियर हैं, ये ड्राइवर हैं और बाकी सब ड्रिवन हैं, यानी चलने वाले हैं, ये चलाने वाला है। अब देखिए दोस्त, इसके टीथ देखिए कितने सॉफ्ट टीथ हैं, देखिए ये फ्रेंड टूट जाएंगे अगर मैंने इसे रोकने की कोशिश की, पूरे ऊपर गियर बेकार जाएगा। अब फ्रेंड्स, इस मशीन की एक खास बात है, ये 3-in-1 गियर बॉक्स बन चुका है मेरे दोस्त। देखिए
इस 60 सेकंड वाली कितनी स्पीड से घूम रही है। दो जैसे घंटा एक क्लॉक काम करता है ना, ऐसी फ्रेंड्स ये मशीन पूरा का पूरा काम करेगी, गियरबॉक्स काम करेगा। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको इसे थोड़ा फास्ट स्पीड पे दिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा एंजॉय आएगा, हाँ पता लगेगा भाई कैसे काम कर रही है। तो फ्रेंड्स आई होप ये फास्ट फॉरवर्ड आपने काफी एंजॉय किया होगा। चले फ्रेंड्स इसे सेल्स चला के देखते हैं, चल रहा है नहीं चल रहा है, तो मैं इसे लगा रहा हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव को ध्यान रखना ही नहीं है हमें। देखिए दोस्त देखिए एक सेल तो चल रहा है, देखिए कोई फेक नहीं है जैसे फ्रेंड्स आपके सामने है। और चलिए मैं आपको इसका ऊपर का कैप खोल के दिखा देता हूँ। पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ यहाँ से, बस एक तार निकाल लेते हैं। देखिए देख सकते हो क्या मस्त काम कर रहा है। देखिए तो फ्रेंड्स ये गियर मोटर तो हमारा सक्सेसफुल रहा, 100% सक्सेसफुल रहा। और भाई अगर मैं देखिए मैं इसे लगाता हूँ, देखिए पहले जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए फ्रेंड्स अगर मैं इसे रोकने की कोशिश करूँ, देखिए देखिए सारा निकल गया क्योंकि हमने ढक्कन निकाल दिया है। हम दोबारा लगा देते हैं, चलिए लग गया। तो भाई ये पैक हो चुका है, चलिए अब लगाते हैं। देखिए ओके चल रहा है, अब इसे रोक के देखते हैं भाई कैसा होता है। देखिए देखिए फ्रेंड्स देखिए नहीं रुक रहा, देखिए 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 इससे तो भाई बिल्कुल भी नहीं रुक रहा। देखिए ओ देखिए देखिए से रोकने कोशिश कर रहा, देखिए 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 फ्रेंड्स नहीं रुक रहा। देखिए देखिए टेप घूमे जा रही है, देखिए देखिए। तो फ्रेंड्स काफ़ी पावरफुल तो है ये, ऐसी बात टॉक तो हमारे है, लेकिन फ्रेंड्स बेचारे का पुर्जे ढीले हैं, ठीक है पुर्जे बड़े लूज हैं, कमजोर हैं, वीक हैं, भाई इसे रोकने का क्या फ़ायदा। चलिए फ्रेंड्स ये तो भाई हमारा 100% सक्सेसफुल रहा, आई फ्रेंड्स ये तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन 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 भाई अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है मेरे दोस्त, रुकिए जरा। यह भाई इसकी मशीन देख सकते हो, चलो फिर इसका क्या काम है इसका काम भी जान लेते हैं। इसमें मैंने एक लैपटॉप की 18650 बैटरी कनेक्ट कर दिए, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। इस मशीन के नेगेटिव पॉजिटिव आपको इससे पता लग जाएगी, जब बैटरी का पॉजिटिव होगा वो इसमें लगा हुआ होगा, तो ये काफ़ी इजी है। चलिए ये ले मैं एक एलईडी और भाई इसे लगाते हैं। देखिए ये दो पॉइंट आप देख सकते हो, यहाँ लगा दे, देखिए देखिए एक एक सेकंड फ्रेंड्स ये ब्लिंक करेगी, देखिए देख सकते हो कैसे ब्लिंक कर रही है। आई होप आपको कैमरे पर नज़र आ रही होगी, हाँ मक्खी नज़र आ रही है आपको, हाँ मक्खी को नज़र आ रही है। देखिए फ्रेंड ये भाई स्टूडियो मक्खी कहाँ से आ गई। तो फ्रेंड्स ये है इसका काम, यानी कि हर चीज़ काम ले सकते हो आप। तो फ्रेंड्स यानी कि इसकी कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। मैं चाहता हूँ दोस्तों इसके सारे गियर निकाल के अलग से एयर गियर मोटर बना देता, लेकिन फ्रेंड उसमें एक प्रॉब्लम होती भाई, वो 3-in-1 नहीं बन पाता, जैसे फ्रेंड 3-in-1 गियर बॉक्स बन चुका है। काफ़ी काम की चीज़ ईजी बहुत है, आप आराम से बना सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आप लोगों कोई कबाड़ा कोई खराब मशीन तो पड़ी होगी ट्राई जरूर करें भाई, करना चाहिए मज़ा आता है। प्लीज़ दोस्तों मुझे जो बताए आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।